हाय स्टूडेंट, कल के वीडियो में वी सॉ इंसर्ट एल्गोरिथम। तो इंसर्ट इज़ अ ऑपरेशन दैट ऐड न्यू एलिमेंट इनटू पर्टिकुलर अरे। तो आज आप देखने वाले हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम डिलीट। तो बिफोर गोइंग टू डिलीट एल्गोरिथम, कल का ही जो टॉपिक है वो एक एग्जांपल लेके फिर से आप रिवाइज करने वाले हैं। ओके, नाउ देखो इंसर्ट क्या है। आपका एल्गोरिथम है जो कि एक नए एलिमेंट को अरे में इंसर्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने तो इंसर्ट इज एन एल्गोरिथम। तो एक अरे लिया है मैंने, उसमें चार एलिमेंट है ए बी सी डी। कितने एलिमेंट है? चार एलिमेंट है ए बी सी डी। अब मान लो कि इस अरे में मुझे एक सी वैल्यू को इंसर्ट करना है। अब ये जो अरे है ऑलरेडी अल्फाबेटिकली है, ए है बी है उसके बाद डी है बाद में ई है। तो ये जो सी है एलिमेंट वो कहाँ पे आना चाहिए? बी के बाद आना चाहिए, मीन उसकी वैल्यू है थर्ड ब्लॉक में सी आना चाहिए। तो इंसर्ट में आपने एक स्टेटमेंट का यूज़ किया है एल्गोरिथम में, दैट इज एल ए ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू एल ए ऑफ जे। मीन्स अब एग्जांपल में देखो, अब सी आने वाला है, सी कहाँ पे आएगा? बी के बाद आएगा, थर्ड पोजीशन पे सी आएगा। तो होता क्या है, एक नया मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं और ई को आप, अब ई फोर्थ में है, फोर्थ प्लेस पे है, तो फिफ्थ प्लेस ब्लॉक में ई को आप मूव करते हो। तो इसको मूविंग राइट साइड बोलते हैं या मूविंग डाउनवर्ड्स बोलते हैं, मूविंग राइट साइड और मूविंग डाउनवर्ड। सेम नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, डी एलिमेंट को एक बार तो ई चला गया हो तो इट्स ए, आपको इस हिसाब से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद डी एलिमेंट आपका उस ई, यानी ई कौन से पोजीशन पे था? फोर्थ। तो डी चला जाएगा ई पोजीशन पे, यानी फोर्थ पोजीशन पे। तो थर्ड ब्लॉक आपका अभी एम्प्टी हो गया, फिर आप ओ सी आइटम को उस प्लेस में इंसर्ट कर सकते हो। तो ये जो ऑपरेशन स्क्रीन पे बताया मैंने आपको वो होता अचीव करती है आपकी ए स्टेटमेंट, दैट इज एल ए ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू एल ए ऑफ जे। तो ए है आपका इंसर्ट। अब आप दूसरे साइड में चले जाओ, ए है आपका डिलीट एल्गोरिथम। डिलीट एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है। इसका एग्जांपल, चार एलिमेंट है ए बी सी डी और मान लो कि मुझे सी की वैल्यू डिलीट करना है। सी की प्लेस है थ्री, मीन्स के की वैल्यू है थ्री। अब मैं क्या करूँगा, जो डी एलिमेंट है उसको थर्ड पोजीशन पे लेके आऊँगा, तो सी है वो ओवरराइट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। तो डी को आपको सी प्लेस पे लाना है। ओके, इस वजह से आपकी एन अरे की साइज़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चार एलिमेंट है तो लास्ट में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थ्री। अब ये जो ऑपरेशन है, ये जो अपन लेफ्ट साइड इसको मूव करते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं डी एलिमेंट को, वो अचीव किया है इस स्टेटमेंट से। यानी इंसर्ट में जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसका रिवर्स लिखना है। यानी इंसर्ट में लिखते हैं अपन एल ए ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू एल ए ऑफ जे, लेकिन डिलीट के वक्त आपको उल्टा लिखना है। आपको लिखना है एल ए ऑफ जे इक्वल टू एल ए ऑफ जे प्लस वन। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन। ये उसमें फ़र्क है, उसके लॉजिक में एक डिफरेंस है। अब आप देखोगे उसके बाद नेक्स्ट वाला डिलीट एल्गोरिथम। डिलीट इज एन एल्गोरिथम। यहाँ पर जो वेरिएबल आने वाले हैं उनके नाम है एल ए एन के आइटम। आइटम मीन जो वैल्यू
जो आप डिलीट करना चाहते हो। एल स्टैंड फॉर लीनियर अरे, कैपिटल एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट एंड के मीन्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू, जिस पोजीशन की वैल्यू अपन डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल इस एग्जांपल लिया मैंने, इसमें पांच एलिमेंट है, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, अब ये जो अल्गोरिथम लिखा है, दैट इज़ अ अल्गोरिथम, ये आपका क्या है, अल्गोरिथम्स है। तो चार स्टेप इम्प्लीमेंट करने से डिलीट आपका कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो एक एक स्टेप को देखते हैं, उसके साथ उसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो दैट आपको एग्जांपल लिखना है एग्जाम में, ना कि सॉरी आपको अल्गोरिथम लिखना है ना कि एग्जांपल। तो एक एक स्टेप को आप एग्जांपल के फॉर्म में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपके अरे में आपको कौन सी वैल्यू को डिलीट करना है, उसको आप एटम में EITEM एटम में सेव कर लो। तो पहले सबसे पहले स्टेप है सेट एटम इक्वल टू LA ऑफ K। अब मान लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में मान लेते हैं कि मुझे 4040 वैल्यू को डिलीट करना है, और 4040 वैल्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, फोर्थ प्लेस पे। ओके, सबसे पहले स्टेप सेट एटम इक्वल टू LA ऑफ K। अब इस हिसाब से एटम कौन सा है, 4040, तो मुझे इतना ही लिखना है, एटम इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, एटम इक्वल टू LA ऑफ 4। तो LA ऑफ 4 में है 40, तो मेरी एटम की वैल्यू है 40। एटम में जिसकी वैल्यू डिलीट करना है वो वैल्यू, अब एटम की वैल्यू हुई 40। सेकंड स्टेप नंबर टू, रिपीट फॉर J इक्वल टू K2N-1। तो मेरा लूप बनेगा, एग्जांपल देखो, फॉर J इक्वल टू K की वैल्यू है 4, 2, N मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, एंड बिफोर डिलीट करने के पहले पांच एलिमेंट थे, तो 5-1, 4, 4, 2, 4, ये है आपका फॉर लूप। क्या फॉर लूप है, 4, 2, 4, यानी 4 के लिए वैल्यू ट्रू रहेगी, जैसे ही वैल्यू 5 हो जाएगा ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा, यानी आपकी स्टेप नंबर 2 रिपीट नहीं होगी। आप कहाँ से जाओगे, जैसे ही फॉल्स हुआ आप जाओगे स्टेप नंबर 3 पे। तो अभी इनिशियल वैल्यू 4 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई है, तो क्या होने वाला है, LA ऑफ J इक्वल टू LA ऑफ J+1। तो इसमें लेफ्ट राइट साइड का असाइनमेंट देखना है आपको, राइट साइड का LA ऑफ J+1, J है आपका इस फॉर J इक्वल टू इनिशियल वैल्यू को कंसिडर करना है, J इक्वल टू 4 है तो ये आपका J की वैल्यू है। तो LA ऑफ J+1, LA ऑफ 4+1, 5, यानी LA ऑफ 5 की वैल्यू आएंगी LA ऑफ 4 में, मीन्स लाइक दैट। ये जो यहाँ पे मेंशन किया LA ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी LA ऑफ मीन्स 50 वैल्यू आ जाएगी फोर्थ पोजीशन पे, दैट इज अ 40, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर लूप है, फॉर जे को ऑटोमेटिकली एक से बढ़ाता है, मीन जे की वैल्यू होंगी J=J+1। इस अल्गोरिथम में मेंशन नहीं है, दैट इज अंडरस्टूडेबल है कि जे होता है इंक्रीमेंट एक से। तो मैंने इस एग्जांपल में लिखा है J=J+1 लिखा है, तो जे हो गया अभी पहले का 4, अभी हो गया 4+1, 5 हो गया। अब लूप बन गया मेरा 5, 2, 4, मेरा लूप बना 5 to 4। अब इनिशियल वैल्यू 5 हो गई,
लेकिन मेरी रेंज है 4 to 4, यानी लास्ट फाइनल वैल्यू है लूप में फॉर में 4 है, अभी वैल्यू हो गई फाइनल, यानी मेरी कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है आप स्टेप नंबर 2 के अंदर नहीं जाओगे, स्टेप नंबर 2 से आओगे डायरेक्ट 3 पे। कहाँ पे आओगे? स्टेप नंबर 2 से 3 पे आओगे। क्यों आओगे? मेरी कंडीशन हो गई है फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई है स्टेप नंबर 3 एग्जीक्यूट होंगी और वहाँ पे लिखा है एन इक्वल टू एन माइनस 1। पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे 5, एक एलिमेंट डिलीट हो गया। कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ? 4040। इस वजह से अभी आपके अरे में कितने एलिमेंट है? 4, तो दैट इज़ एन। अभी वैल्यू डिलीट करने के बाद अपन वैल्यू को रिसेट करते हैं, तो दैट इज़ एन इक्वल टू एन माइनस 1। और लास्ट स्टेप है मेरा एग्जिट। जैसे ही एग्जिट रन होंगी अपना ऑपरेशन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये है आपका डिलीट एल्गोरिथम। इतना याद रखो, एक ही लाइन का डिफरेंस है इंसर्ट और डिलीट में। डिलीट में लिखते हो एल ए ऑफ जे इक्वल टू एल ए ऑफ जे प्लस 1। इन इंसर्ट केस आप लिखते हो एल ए ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू एल ए ऑफ जे। तो ए हो गया आपका डिलीट ऑपरेशन। तो अभी तक अपने ट्रैवर्सिंग पढ़े, इंसर्टिंग पढ़े, डिलीटिंग पढ़े। अभी आपके सामने नेक्स्ट अल्गोरिथम आ रहे हैं, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। उसमें आपको बबल सॉर्ट मेथड देखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, अब सॉर्टिंग मीन्स रीअरेंजिंग एलिमेंट ऑफ अरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो रीअरेंजिंग एलिमेंट ऑफ अरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉर्टिंग मीन रीअरेंज करो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। ऑर्डर कैसे रहेगा? ए ऑफ 0 लेस दैन ए ऑफ 1 लेस दैन ए ऑफ 2 डैश डैश लेस दैन ए ऑफ एन। तो इस तरह से ऑर्डर रहना चाहिए। ओके, इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में आपको बबल सॉर्ट नाम की मेथड पढ़नी है। अब पढ़ते हैं, लेकिन एक एग्जांपल लेके। ये आपका स्क्रीन के सामने एग्जांपल है। ओके, मैंने एक अरे लिया है, उसमें कुछ एलिमेंट इंसर्ट किए हैं। टोटल एलिमेंट है 8 एलिमेंट है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? 8 जो एटम है वो 1 प्लेस पे सेव है। देन सेकंड 2 3 4 ऐसे 8 है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के जो भी वैल्यूज है इसको कंपेयर करना है। मीन्स आपको कंपेयर करना है, कंपेयर ए ऑफ 1, क्या कंपेयर करना है आपको? ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 2, दोनों को कंपेयर करना है। ए ऑफ 1 में क्या है? 8। ए ऑफ 2 में क्या है? 4। हमेशा ऐसा होना चाहिए, ए ऑफ 0 या ए ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू ए ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू द सॉर्टिंग एल्गोरिथम। लेकिन इस केस में वो लेस देन नहीं है, मीन्स ए ऑफ 1 ग्रेटर देन ए ऑफ 2 है। ठीक है, तो इस केस में अगर ए ऑफ 1 लेस देन ए ऑफ 2 नहीं है तो आप क्या करो, दोनों वैल्यू को इंटरचेंज करो। ओके, अब इंटरचेंज करने से क्या हो जाएगा? ए ऑफ 1 लेस देन ए ऑफ 2 हो जाएगा, यानी 8 जो वैल्यू है वो सेकंड ब्लॉक में चली जाएगी और 4 वैल्यू फर्स्ट ब्लॉक में आ जाएगी। अब ये दो वैल्यू अरेंज हो गई है। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करना है ए ऑफ, उसके बाद क्या कंपेयर करना है? ए ऑफ 2 एंड ए ऑफ 3 को कंपेयर करना है। देन ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4, देन ए ऑफ 4 एंड ए ऑफ, आपको कंपेयर करके उस पर्टिकुलर ऑर्डर को मेंटेन करना है। ऑर्डर क्या है? ए ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू ए ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू ए ऑफ 2। तो क्या होने वाला है? टोटल 8 एलिमेंट है,
तो आप इस प्रकार से कंपेयर करोगे ए ऑफ वन लेस देन ए ऑफ टू, ए ऑफ टू एंड ए ऑफ थ्री, ए ऑफ थ्री एंड ए ऑफ फोर, तो आपकी कंपैरिजन हो जाएंगी एन माइनस वन कंपैरिजन। एन माइनस वन मीन्स टोटल एलिमेंट आठ है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा सात बार, सेवन टाइम्स, टू गेट अ फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर। यानी इस अरे में 19 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, तो वो सबसे राइट साइड में आएगा, राइट साइड में। जो भी अभी आपके एग्जाम्पल 16 जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे वो 19 आएगा। इसलिए आपको अरे एलिमेंट को सात बार कंपेयर करना है, कितनी बार, सेवन टाइम्स, जितने भी एलिमेंट रहेंगे उससे एक कम, टू गेट अ फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर। ओके, देखो अभी स्टेप वन देखो, कंपेयर ए ऑफ वन एंड ए ऑफ टू एंड अरेंज देम इन डिजायर ऑर्डर सो दैट ए ऑफ वन लेस देन ए ऑफ टू। दोनों नंबर को कंपेयर करना है, अगर कंपेयर अगर ले ए पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है तो आप इस दोनों को इंटरचेंज करो करके इस ऑर्डर में लाना है, जैसे दिया है ए ऑफ वन लेस देन इक्वल टू ए ऑफ टू। देन कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट, देन कंपेयर थर्ड एंड फोर, अगर ऑर्डर में नहीं है तो रीअरेंज करना है। ओके, तो ऐसे करके करते लास्ट में जैसे चले जाओगे आप ए ऑफ एन माइनस वन एंड ए ऑफ एन, इन दोनों को कंपेयर करना है इस पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो इस में टोटल एन माइनस वन कंपेरिजन है, हाउ मेनी कंपेरिजन, एन माइनस वन कंपेरिजन है। ड्यूरिंग दिस स्टेप द लार्जेस्ट एलिमेंट इज कमिंग लाइक अ बबल टू द एन पोजिशन। तो इस तरह से जब कंपेयर करोगे तो आपको लास्ट में लार्जेस्ट एलिमेंट मिलेगा, इसको आप बोलते बबल। अब जब बबल मिलेगा तो आपकी स्टेप वन कंप्लीट हो गई है, तो ए ऑफ एन विल बी द लार्जेस्ट एलिमेंट। अब मिल गया आपको फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर, 19 मिलेगा आपको फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम राइट साइड में। तो सेकंड टाइम उस लार्जेस्ट नंबर को कंसीडर नहीं करना है, टोटल एलिमेंट आठ है, एक एलिमेंट एक उसके पोजीशन पे लार्जेस्ट मिल गया, तो आपको अभी कंपेयर करना है सेवन एलिमेंट को। सेवन एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए आपकी मिनिमम स्टेप बनेगी एन माइनस वन मीन्स सिक्स स्टेप, तब जाके आपको उस अरे का सेकंड लार्जेस्ट नंबर मिलेगा जो कि है 1616, सेकंड 19 के साइड में मिलेगा वो। ओके, तो रिपीट स्टेप वन विथ वन लेस कंपैरिजन। स्टेप टू इन्वॉल्व एन माइनस टू कंपैरिजन, यानी अभी कंपैरिजन हो गई आपकी 8 माइनस टू दैट इज 6, यानी पहले बार 7 कंपैरिजन, सेकंड टाइम 6 कंपैरिजन। तो ऐसे करके करके आपके एलिमेंट सभी अरेंज होंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, यानी राइट साइड में मिलेगा सबसे लार्जेस्ट नंबर उसके पहले मिलेगा सेकंड लार्जेस्ट नंबर, देन थर्ड लार्जेस्ट नंबर, देन फोर्थ लार्जेस्ट नंबर। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नेक्स्ट स्लाइड में उसका एक एग्जांपल लेने वाला हूँ, सो डोंट वरी। तो पूरे कंपैरिजन करने के लिए आपको एन माइनस वन स्टेप करना पड़ेगा। द लिस्ट विल बी सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस हिसाब से अगर करोगे तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मिलेगी, दैट इज नोन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस स्टेप इज कॉल्ड अ पास, इसमें हर एक स्टेप को पास बोलते हैं, सो दैट बबल सॉर्ट हैव एन माइनस वन पासेस। तो इसमें टोटल स्टेप लगेंगे आपको कंपेयर करने के लिए एन माइनस वन। अब आपके स्क्रीन में मैंने एक एग्जांपल लिया है कंपैरिजन का, बबल सॉर्ट टेक्निक किस तरह से काम करती है, तो देखिए। ये है अरे, टोटल एट एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने हैं, एट। तो उसमें पहले साइकिल में कंपैरिजन होगी एन माइनस वन, एट माइनस वन मीन्स सेवन कंपैरिजन होने वाली है। तो एलिमेंट है वो सेम ही एग्जांपल है आपका, तो पहले सबसे पहले कंपेयर करूँगा डेटा ऑफ वन ग्रेटर देन टू डेटा ऑफ टू। मैंने क्या बोला,
कंपेयर किस टाइप में करूँगा, डेटा ऑफ वन लेस देन डेटा ऑफ टू रहेगा, ठीक है, डेटा ऑफ वन लेस देन डेटा ऑफ टू रहेगा। अब मैंने इसमें लिखा है, इसका मतलब अगर डेटा ऑफ वन इस टाइप से, डेटा ऑफ वन लेस देन डेटा ऑफ टू नहीं है, मीन्स डेटा ऑफ वन ग्रेटर देन डेटा ऑफ टू, ओके, मैं इस अगर ग्रेटर होता है तो इंटरचेंज करेंगे, अगर डेटा ऑफ वन टू से नहीं है तो अल्गोरिथम अरे सेम रखेंगे। सो डेटा ऑफ वन ग्रेटर देन डेटा, देखो आपको एग्जाम पे अल्गोरिथम लिखना है, लेकिन उसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल लेना है। तो अब अल्गोरिथम में इस तरह से स्टेप आएंगी कि अगर डेटा ऑफ वन ग्रेटर है डेटा ऑफ टू से, तो आप क्या करोगे, आप दोनों की वैल्यू इंटरचेंज करोगे। तो इस एग्जाम्पल में मैंने इंटरचेंज वैल्यू की है, यहाँ पे एट फर्स्ट में है, सेकंड पोजीशन में फोर है, तो डेटा ऑफ वन बड़ा है, डेटा ऑफ वन लेस देन डेटा ऑफ टू नहीं है तो इंटरचेंज करना है, इसमें डेटा ऑफ वन बड़ा है तो मैंने दोनों वैल्यू को इंटरचेंज किए, फोर आ गया वन ब्लॉक में, टू ब्लॉक में आ गया एट, और बाकी एलिमेंट वैसे के वैसे। नेक्स्ट स्टेप जब करोगे तो आपको कंपेयर करना है डेटा ऑफ टू ग्रेटर देन डेटा ऑफ थ्री। अब इसमें डेटा ऑफ टू में है एट, ये वाला कंसीडर करो, डेटा ऑफ टू में है आपका एट और डेटा ऑफ थ्री में 19, तो डेटा ऑफ टू ग्रेटर देन डेटा ऑफ थ्री नहीं है यानी वो रिक्वायर्ड ऑर्डर में है, तो आपको रिमेन एज इट रखने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 4, 8, 19, 2, 7 वैसे के वैसे। देन कंपेयर करना है डेटा ऑफ थ्री एंड फोर, डेटा ऑफ थ्री ग्रेटर देन डेटा ऑफ फोर, यस डेटा ऑफ थ्री में 19 है, 19 इज ग्रेटर देन टू, तो अभी इंटरचेंज करने इसलिए थर्ड पोजीशन पे 2 आया है और 19 चला गया फोर्थ पोजीशन पे, ओके, तो ए हो गया आपका। देन डेटा ऑफ फोर कंपेयर विद डेटा ऑफ फाइव, फिर से देखते हैं डेटा ऑफ फोर ग्रेटर देन डेटा ऑफ फाइव है या नहीं है, डेटा ऑफ फोर में है 19 ग्रेटर देन 7, इस वजह से फिर से वैल्यू इंटरचेंज हुई है, यानी 4, 8, 2, 7 और बाद में चली गई है 19, तो इस तरह से पूरी वैल्यू को आपको कंपेयर करना है। तो ऐसे करने से करते जाओगे और वैल्यू को इंटरचेंज करते जाओगे, कब इंटरचेंज करना है कि प्रीवियस वैल्यू अगर नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी है तो आपको इंटरचेंज करना है, नहीं है तो रिमेन जैसे वैसे ही रखना है। तो इस हिसाब से सब जाओगे तो आपको सबसे लास्ट में आपका नंबर आएगा 19, सबसे लास्ट में आपको मिलेगा ए, 19 इज द लार्जेस्ट नंबर, दैट इज कॉल्ड बबल, ओके। तो आपकी कंपैरिजन है, नंबर है टोटल 8, यानी आप तो एक लार्जेस्ट नंबर लाने के लिए आपको कितनी साइकिल चली है, 7 बार चली है, ओके। अब सेकंड टाइम मैं स्कैन कर चलाऊंगा इस साइकिल, तो आपको 19 को कंसीडर नहीं करना है, 19 को कंसीडर नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसको आप कंसीडर नहीं करना है, यानी आपको कंपेयर करना है सिर्फ 7 एलिमेंट, क्योंकि आपका अभी ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ गया है, यानी नेक्स्ट साइकिल चलेंगी 7 है, अब कंपैरिजन होने वाली है 6 बार, तब जाके आपको सेकंड लार्जेस्ट मिलेगा, दैट इज द 16, इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। फिर जाओगे तो फिर मिलेगा आपको 13 लार्जेस्ट नंबर। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मिलेंगी, सबसे स्टार्टिंग में होगा सबसे स्मॉल नंबर और सबसे लास्ट में होगा सबसे ग्रेटर नंबर। तो ये टेक्निक है बबल सॉर्ट टेक्निक, तो उसमें एग्जांपल नहीं लिखना है, पेपर में बबल सॉर्ट मेथड आती है या बाइनरी मेथड आएगी, दो में से एक पक्का है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ओके। तो अभी आप सेम ध्यान रखो, अब आप देखने वाले हैं अल्गोरिथम दैट नेम इज बबल सॉर्ट, ओके। तो ए है आपका बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट इज अ नेम ऑफ द टेक्निक टू सॉर्ट द एलिमेंट इन पर्टिकुलर अरे,
तो एल्गोरिथम का नाम है बबल सॉर्ट, अरे लिया है मैंने, अरे का नाम लिया है, हमेशा अपन एले लिया है, यहाँ पे उन्होंने लिया है डेटा, एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट। ए एल्गोरिथम क्या करता है, आपके डेटा का जितने भी डेटा में एलिमेंट है उसको सॉर्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लाते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। तो ए है आपकी, ए है आपका एल्गोरिथम, ये आपका है एल्गोरिथम, और उसका साइड वाला है आपका उसका एग्जांपल। ओके, तो ये है आपका एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में देयर आर फोर स्टेप, चार स्टेप है, और राइट साइड में मैंने उसका एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं दो स्टेप, सॉरी फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हो तो आपको दो लूप मिलेंगे, दो लूप मिलेंगे, मैं बात कर रहा हूँ लूप, बताओ ना कौन कौन से लूप होते हैं। एक होता है डू व्हाइल लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, और थर्ड होता है फॉर लूप। तो वहाँ पे आपको स्टेप नंबर वन पे क्या मिल रहा है, आपको दिया है, आप देख सकते हो फॉर लूप है, और सेकंड स्टेप में, सॉरी थर्ड स्टेप में आपको दिखता है वहाँ पे नहीं व्हाइल लूप। ओके, तो ये दो लूप है। तो अभी कैसे है, केसेस दो लूप है, एक है आउटर लूप और एक है इनर लूप। अब इनर लूप में फॉर के इक्वल टू वन, ये उसकी इनिशियल वैल्यू है, तो के की वैल्यू है वन। अब एग्जांपल के हिसाब से जाओगे तो रिपीट स्टेप टू एंड थ्री फॉर के इक्वल टू वन टू एन माइनस वन। आपके एग्जांपल में आठ एलिमेंट है तो एन माइनस वन मीन्स सेवन, तो लूप बन गया फॉर k इक्वल टू वन टू सेवन। तो इनिशियल वैल्यू है वन, फाइनल वैल्यू है सेवन, यानी ये लूप चलेगा वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स के लिए, सेवन के लिए, एट के लिए, कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। ओके, फॉल्स होने के कारण आप टू और थ्री में नहीं आओगे, आप डायरेक्ट फोर पे आओगे और आपका एग्जिट हो जाएगा, आप टर्मिनेट हो जाओगे, आपका स्टॉप हो जाएगा काम करना। ठीक है, यानी ये चलेगा सेवन टाइम, दैट इज़ अ कंपैरिजन, यानी आठ नंबर है तो कंपैरिजन हो गए मेरे सात, तो इसलिए उन्होंने लूप लिया पहला लूप। सेकंड लिखिए पीटीआर इक्वल टू वन, तो पीटीआर एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने सेव किया नंबर वन। थर्ड लिखा है रिपीट वाइल पीटीआर लेस देन इक्वल टू एन माइनस के, ये थर्ड लूप है। देखो वी आर इन आउटर लूप, आउटर लूप फॉर लूप है, अगर फॉर लूप रन हो गया तो स्टेप नंबर टू रिपीट हुई, स्टेप नंबर थ्री रिपीट हो गई है, तो थ्री में है व्हाइल लूप। अब लूप क्या बना है, ये है आपका लूप, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये आपका लूप व्हाइल पीटीआर लेस देन इक्वल टू एन माइनस के। अब एग्जांपल के हिसाब से एन मीन्स एट, माइनस के मीन्स के इक्वल टू वन, इनिशियल वैल्यू तो सेवन, तो लूप बन गया व्हाइल वन लेस देन इक्वल टू सेवन, ये वाला लूप। ओके, अगर पीटीआर कितना है वन लेस देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू सेवन, आप बताओ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। यस, कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि वन सेवन से छोटा है। अगर है तो सबसे पहले ए स्टेप रन हो जाएगी, यानी थर्ड में दो स्टेप है ए और बी, तो थर्ड में की एक स्टेप रन हो जाएगी। क्या है वो,
इफ डेटा ऑफ पी टी आर ग्रेटर दैन डेटा ऑफ पी टी आर प्लस वन, डेटा ऑफ पी टी आर की वैल्यू है वन, ग्रेटर दैन डेटा ऑफ पी टी आर प्लस वन, वन प्लस वन टू, डेटा ऑफ वन की वैल्यू है एट, एट इज ग्रेटर दैन फोर, कंडीशन क्या है ट्रू है। इस वजह से देखो क्या लिखा है, इस वजह से इंटरचेंज डेटा वन ऑफ डेटा वन एंड डेटा टू, इस कारण डेटा चेंज हो रहा है, वैल्यू उसकी चेंज हो रहा है, फोर्थ एट की जगह आ रही है, एट फोर की जगह आ रही है। ओके देन इंटरचेंज वैल्यू हो गई है, अब कंपेयर करना है अपने को टू और थ्री, इसलिए पी टी आर को उन्होंने बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया, पी टी आर इक्वल टू पी टी आर प्लस वन, तो वन प्लस वन टू। अब टू होने के बाद आप अभी इनर लूप में हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकते फॉर लूप में, आपको जाना है इनर लूप में, यानी आप इधर से यहाँ पे जाओगे, स्टेप नंबर थ्री पे जाओगे। अब वन के लिए कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से पी टी आर जाएगा, अब पी टी आर की वैल्यू चेंज हो गई, यानी आप यहाँ से जाओगे इस स्टेप में, आ गया ना में। तो पी टी आर लेस देन इक्वल टू एन माइनस के, यानी वन लेस देन इक्वल टू सेवन कंडीशन थी, अब मेरा पी टी आर चेंज हुआ टू, अब क्या हुआ टू, फिर से रन होंगी टू लेस देन इक्वल टू सेवन, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, देन सिक्स, देन सेवन, जैसे ही एट हो जाता है अपन यहाँ से, जैसे ही कंडीशन एट हो जाएगी, एक कंडीशन इस तरह से हो जाएगी, एट लेस देन इक्वल टू फॉल्स हो गया, तो आप स्टेप नंबर थ्री से आओगे एग्जिट पे, यानी ये एग्जिट हो जाएगी, सॉरी एग्जिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अपन अभी इनर लूप में, जैसे ये फॉल्स हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, तो आप यहाँ से जाओगे स्टेप नंबर वन पे, यानी यहाँ से जाओगे स्टेप नंबर वन पे, क्योंकि अपन इनर लूप में है, जैसे इनर लूप टर्मिनेट होता है तो आप उसके आउटर लूप में जाओगे, यानी कि सीधा सीधा समझाता आपको, सबसे आउटर लूप है के इक्वल टू वन, तो इस वन के लिए अंदर का लूप चलाए वन लेस देन इक्वल टू सेवन, टू लेस देन इक्वल टू सेवन, सेवन टाइम चलाए, तो फिर एट लेस देन इक्वल टू सेवन के लिए टर्मिनेट हुआ है, क्या हुआ है टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेट होने के कारण यानी के इक्वल टू वन के लिए सात बार चला लूप, अब सेकंड टाइम के इक्वल टू टू के लिए सात बार चलेगा, थ्री के लिए सात बार चलेगा, ऐसे करके करके चलेगा, वो टर्मिनेट कब होगा आउटर लूप, सबसे आउटर लूप मीन्स सबसे बाहर वाला लूप, के इक्वल टू जब एट हो जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, उस टर्मिनेट जब वो टर्मिनेट होगा आपका अरे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाएगा, तो ये है उसका एल्गोरिथम्स। ओके तो दैट टेक्निक इज नोन एज बबल सॉर्ट, उसमें एक ही काम करना है कि कंपेयर करना है ए ऑफ वन लेस देन ए ऑफ टू है या नहीं है, अगर नहीं है ए ऑफ वन बड़ा है, बड़ा है तो इंटरचेंज करना है, तो ये है आपका बबल सॉर्ट टेक्निक, तो इस ये है आपका, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और उसमें टोटल एन माइनस वन कंपैरिजन होती है। नेक्स्ट क्लास में आप लेने वाले हो लीनियर सर्च एल्गोरिथम्स एंड बाइनरी सर्च, दोनों सॉर्टिंग मेथड आपके सिलेबस में एक ही है, ओनली वन, दैट इज सॉर्टिंग, दैट इज अ बबल सॉर्ट, और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ने वाले हो लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, इसको बोलते सर्चिंग टेक्निक। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा है ट्रैवलसिंग, सेकंड एल्गोरिथम देखा है आपने इंसर्ट एंड डिलीटिंग
ये दो हो गए। थर्ड देखने वाले, थर्ड देखे आज, वो है आपका बबल सॉर्ट, दैट इज़ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम। और कल आप देखोगे लीनियर सर्च या सॉरी लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च आर द सर्चिंग टेक्निक ऑफ एन अरे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।